تاجدار ختم نبوت حضرات آپ تشریف رکھیں بلا تاخیر جرنیل اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت دو درگاہ محلہ کے سجادہ نشین جن کے لیے سائیں سردار احمد سردار نے کہا تھا کہ مہتاب کا گلشن تاب پہ ہے آنکھوں کو دید کی تاب نہیں ان کے والد پیر اصغر علی شاہ کا کیا میں ذکر کروں ظہیر الحسن کا کوئی جواب نہیں اب آپ کے سامنے حضور امیر المجاہدین کہ ہم سفر رفیق سفر ان کے دن کے ساتھی رات کے ساتھی ریل کے ساتھی جیل کے ساتھی حضرت امیر المجاہدین کا عکس حضرت قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بخاری بدیر آیت درست آیت شاہ جی لمبے سفر سے تشریف لائے ہیں مگر آپ کے نعرے نے ان کی تھکاوٹ کو اتار دیا ہے آپ تشریف فرما ہوں گے تو شاہ صاحب کا خطاب فوراً شروع ہونے لگا ہے آپ ایک دفعہ بیٹھ جائیے تاکہ نظم اور نسق قائم ہو جائے مہربانی آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ کا شکریہ ہوگا پیچھے والے دوست ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں بیٹھ جائیں اور ایک لبیک کی صدا بلند ہوتی ہے اور شاہ صاحب کے پاس مائک جا رہا ہے بولیے لبائی تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اس ضلع کے ضلعی امیر محمد ندیم صاحب دیگر جملہ عہدیداران ذمہ داران کارکنان تحریک لبیک پاکستان اور سٹیج پر جلوہ گر جملہ علماء کرام وفاظ کرام قراز رات مشائخ اعظام سادات کرام اور بالخصوص علامہ مولانا شاہد محمود چشتی صاحب آپ یہاں کافی دیر سے تشریف فرما ہیں
उलमा के खिताबात आप सुन रहे हैं। इकबाल कहता है, जो था नहीं है, जो है ना होगा। जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हर्फ़ महरमाना। करीब तर है नमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है जमाना। मेरी सुराही से इकबाल कह रहा है कि ये जमाना कहता है, जमाना कहता है कि जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हर्फ महरमाना। करीब तर है नमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है जमाना। मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादस टपक रहे हैं। मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादस टपक रहे हैं। मैं अपनी तस्बीह रोज़ो शब का शुमार करता हूँ दाना दाना। हर एक से आशना हूँ लेकिन जुदा जुदा रस्म राह मेरी। जमाना कह रहा है कि हर एक से आशना हूँ लेकिन जुदा जुदा रस्म राह मेरी। किसी का राकिब, किसी का मरकब, किसी को इबरत का ताजियाना। जमाना कह रहा है भाई मैं किसी से सवार हाँ, किसी का राकिब, तो कुछ कायनात च बंदे इस तरह के भी हैं जो मेरे तो सवार ने। तुसी थकते नहीं गए, मैं गल्लां ज्यादा नहीं करनियां, तो फजूल भी नहीं करनियां, तो रस्मी मैं बंदा नहीं। भाई ये रजब का महीना तो रोना गल करनी है, तो फिर रबी अव्वल आवेगा तो फिर ए गल करनी है, रबी सानी आवेगा तो फिर ए गल करनी है। यह महीना गौस पाक का, यह महीना दाता साहब का। भाई जो दाता साहब जिंदा सन वो फिर सफर बयान की करते सन, जो हुजूर अलैहि सलाम खुद जलवा कर सन, रबी अव्वल जो बयान की करते सन, जो सिद्दीक अकबर खुद जलवा कर सन, फिर रबी सानी जो बयान की करते सन। जुदा जुदा रस्म राह मेरी, हर एक से आशना हूँ लेकिन जुदा जुदा रस्म राह मेरी। किसी का राकिब, किसी का मरकब। जमाना कहता है मैं किसी से मैं सवार हाँ, तो कायनात कुछ बंदे ऐसे भी हैं ने जड़ियाँ लगामा मेरिया खिंच के तो मेरे रस्ते मोड़ देंगे ने। किसी का राकिब, किसी का मरकब, तो बाबे ने तनाबा खिंच के वक्त नू मोड़िया ना, फिर इधर नहीं जाना इधर आना है। तो जमाना कहता ना था अगर तू शरीक महफिल, ना था अगर तू शरीक महफिल, तू जिंदा रह के दुनिया च रह के मसरत जाके मजारात ते जाके ते मुर्शिद के सामने बह के तू खटिया कख नहीं, तो फिर मेरा कसूर तो नहीं ना। तू मुर्दा पीर लभ लै सन तो मेरा कसूर तरी ना। तू मुर्दा मुर्शिद लभ लै सन जिन्होंने आप पता ही नहीं फिर राह केड़ी है, मंजिल केड़ी है, जाना किधर है, रास्ता केड़ा है। ना था अगर तू शरीक महफिल, कसूर मेरा है या कि तेरा। ना था अगर तू शरीक महफिल, असी अगर शरीक महफिल होंगे बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। साढ़े बुजुर्गों ने 22 लाख शहादत पेश की, असी जो हो जी बुद्धू रस्मी, असी समझने पीर सिर्फ दम करना सुनते, भावे जिन्ना मर्जी वक्त नाजक हो, चाहे बंदा स्टेज पर मुश्किल ना पहुंच रहा है, पर भी बोतलां खोल के वेखो तुहाडे सामने। साढ़े को दरबारों से आने वाले भी लोग यही समझते भाई उत जुमा हो ना हो, सू इस गल गर्ज नहीं, बल्कि 1:30 बजे जमात का टाइम है मेरे को, 1 बजे भी 1:15 भी कॉल आ रही होंगी, अगर मोबाइल खुला तो 1:30 बजे भी कॉल आ रही। ये भी बंदा मोमिन नहीं है ना, ये भी मुसलमान है जिन्हों ये नहीं पता भी अब जुमा है। ना था अगर तू शरीक महफिल, तू निमाज नीत के, तू निमाज नीत के, फिर भी इया कहना बदवाइया कहना नस्ता इन पढ़ के इधर रब नू सजदा करके रब के सामने खलो के कह रहा सें इया कहना बदवाइया का नस्ताइन ना बुदो इया का नहीं तो नस्ताइन इया का वही क्या भी तू कह रहा इया का ना बुदो ना बुदो इया का तू नहीं कह रहा, तू कह रहा इया का ना बदवाइया का नस्ताइन कह भी कह रहे हैं इतने मस्जिद खलो के। किबला किधर जी
करके काबे शरीफ वाल मुंह करके तू कह रहे हैं या कना वैया कना स्ताइन नाले कह रहे हैं सिरात अल मुस्तकीम ते सिरात अल लजीना अनअमता अलैहिम नाले ए कह रहे हैं कि इतों उठ के बाहर निकल के अंग्रेज के कानून के सामने हाथ बन के खलोता है या तो इधर मारना या उधर मार जे तेरे अंदर कोई दम खम नहीं तो फिर कलमा छड़ दे तेनू कौन कहता कलमा पढ़ तेरी दीन मोहताजी है तेरे कलमे दी पीर ज़हीर सच्चा दे दीन कलमा पढ़ने दी दीन मोहताजी है ये सारे पीर भी मर जान तो फिर दीन की फर्क पैगा ए बेचार इला माशाला कौम को तीन रानुमान है तीन रानुमान है कौम को मशाइख उलमा टीचर सारे उलमा शामिल टीचर प्रोफेसर लेक्चरार सारे उलमा शामिल हैं कौम को रानुमान तीन तबके मशाइख पीराने निज़ाम उलमा किराम ते सियासतदान सियासतदान ते खैर गल ही वखरी है ना वो ते बड़े पाक लोग ने पाकीजा लोग मुत्तकी परहेजगार लोग मैं कभी जिंदगी काले बारह तो लैके सफेद होने तक मैं कभी करोड़ों से बैठा बंदा सियासतदान करोड़ों से प्राडो से वड्डी गड्डी से बंदा बैठा हो सियासतदान पीपल पार्टी का नून लीग का पी टी आई का काफ लीग का मैं वह कब्रस्तान जाके भी कभी वजू टुटिया नहीं वेख्या तुसा वेख्या कभी कोई सियासतदान वजू करता कब्रस्तान कितने अच्छे लोग ने जो हर वक्त बावजू रहते हैं किन्ने पाकिजा लोग ने बावजूद रहते ऐसे अजीम लोग ने जनाब लोग ड्रम एंड ड्रम पी गए फिर भी वजू कायम बदरी जनाब तरह टन खा गए फिर भी वजू कायम लक्कड़ अजम बदरी अजम लुक अजम सीमेंट अजम स्कूल अजम सड़क अजम पूरी कौम का पैसा अजम और असी बेचारे कितने सादे एक फुल भी नहीं उत्ते एक पत्ती भी नहीं वो नहीं जी जनाब ने साड़ी सड़क बनवा दी है तो उन्हें सड़क घरों बनवाई है तो सियासतदान को जेडे ए सारा माल है दौलत है ए शैलर ए मिल फैक्ट्रिया पंप ये किदा है भाई साडा कौम का पैसा लुट लुट के कितने अजीम लोग ने तो कह रहे थे पूरी कौम को पता ना जी सानू इस गल ना गर्ज नहीं सानू तो अपने जाति कमां नाल गर्ज है सानू इस गल ना गर्ज नहीं भी साडे वोट का दीन नू फायदा कितना होगा भाई अगर तू अपना वोट तेन अपनी वोट की कदर का नहीं पता फिर हुसैन का ना लेना छड़ दे ना तेन अपने वोट की अगर कीमत का नहीं पता तू दीन की खातर वोट नहीं दे सकता फिर हुसैन का ना लेना छड़ दे अगर तू पत्थर नहीं खा सकता फिर ताइफ का जिक्र करना छड़ दे तू आप ही दीन की खातर छैल नहीं खा सकता तो कड़िया नहीं लवा सकता तो मैदान च नहीं खिलो सकता तो फिर करबला का जिक्र छड़ दे ना फिर हज़रत बिलाल का जिक्र छड़ दे फिर ताइफ का सफर छड़ दे ओ ना नहीं लैना फिर वह नरम गोशा वो बयान करना है जिहड़े असी कायल हाँ बस जिक्रो जिकार तस्बीह लोटा मुसल्ला भाई तस्बीह लोटा मुसल्ला तो बाद की गल है नमाज भी बाद की गल है ये पता नहीं कि बंदे शेर लिखता मस्त हर मस्जिद से कि रोजे माशर के जहाँ गुदास बवद अवली पुरसश नमाज बवद भाई उत्थे नमाज की गल होनी है बाद नमाज के मालिक की गल पहले होनी पहले नमाज की गल नहीं होनी ये तेन भुल ना रवे ना तेन अपनी नमाजा से मान रवे ना तेन इलमा से मान रवे ना तेन अपनी पीरी फकीरी से मान रवे ए गल नहीं होनी गल तो नहीं होनी है कि मेरे हबीब की इज्जत नामूस का मसला थी तू की किया गल कर तू की किया तेरे सामने मेरा बंदा आवाज ला रहा सी कि असी निजाम अंग्रेज के निजाम मुस्तरद करने कुफर के निजाम मुस्तरद करने और अपने हबीब के नबी अलैहिस्सलाम के दीन नू तख्त लेना चाहते हैं फिर दी तू दीन की खातर की किया तू ए किया जनाब मैं तहीके लबैक ना तो छोटा वोट जनाब तहीके लबैक दे दौ तो व्डा वो साढ़े दोस्त ने जनाब एम एन ए साहब नो चलो कोई गल नहीं पी टी आई दे दौ आली कहड़ा कामयाब होते हैं पै तुझे उधर दे वाह जिंदे की लच्छण तेरे हक रब सजूदे सनमा रब तवाफे बेहतर है चरा गई हरमो दैर बुझा दो वाह जिंदे की लच्छण तेरे एक बुकड़ विच रांझण माई दूजी दे विच खेड़े ए दीन तेरा मुनाफकत आला बाबे ने तो पूरी कायनात ऐलान कर दिता ना पर भाई असा एक एक घुट नहीं पीता असा मंग मंग के नहीं पीती असा मंग मंग के नहीं पीती मैं तो बरसात मैं खाने दी
छत उत्ते बह के पीती है, मंग मंग के नहीं। अल्लामा मौलाना खादिम रिजवी साहब ने किसी बंदे ने नहीं कहा मेरे नाम नूं याद, मैं कबरे टुट जाना है, मेरे बाद मेरा नारा जरूर लाना है। उन्हें किसी को मंग के खैरात नहीं ली, आदत मंग के खैरात नहीं ली, खैरात क्यादत नहीं ली, बल्कि ने हुजूर ने इस तरह वफा की थी कि जज्बात ना नहीं बल्कि हकीकत है कि हर बंदा कह रहा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा रिज़वी तेरा नाम रहेगा। रहना ना, रहना रहना ना, बरसातां विच मैखाने दी छत उत्ते बह के पीती है। पहला वा उन्हां रिंदां चो जिन्हें खुली बगावत की है, तो मुनाफक अंगरों ना चुकया भार मुसले का, ना पढ़ी कदे ना नीती है। ये मुनाफकत है ना जी, इधर द्रावी आ कना बदवाई आ कना स्टाइन, फिर तू थाने जा खलो तैं ठीक है जनाब, एक पास ठीक करना एक पास हाथ बन, या तो अल्लाह रसूल दी बार के हाथ बन, या फिर इधर हाथ बन मार उधर मार, इधर फिर तेरा की काम है, या तो दीन ना वफा कर, या सरे मैदान दीन ना बेवफाई कर, इधर नाल नमाज पढ़ना इधर दीती हो, इधर जना हाथ बन किया कना बदो। पीर साहब भी कह रहे हैं, मौलवी साहब भी कह रहे हैं, शेखुल हदीस साहब भी कह रहे हैं, शेखुल कुरान साहब भी कह रहे हैं, इया कना बदो वही कना स्ताइन, फिर इधर ना ना मारे उधर मार, उन्होंने साथ दे जनाब। उधर नवाब साहब ने, वो जी सरदार साहब भाई, कहदे नवाब ने कहदे सरदार ने, जिन्हें कौम ना गद्दारी की, उम्मत ना ते दीन ना गद्दारी की, उन्होंने अंग्रेज ने कहा इनाम के तौर पर घोड़े भजा लवो दौड़ाओ को, जिनी जमीन वाल लोगी थोड़ी वो तो साढ़े बुजुर्ग सन, जिन्होंने कहा कि घोड़ा भजा लो जनाब, उन्होंने कहा कितने इतने, उन्होंने कहा अगर जमीन देनी है तो फिर उत्थे घोड़ा मेरे को नसाओ ना बरतानिया जाके, उत्थे घोड़ा मेरे को दौड़ाओ, उत्थे मैं घोड़ा भजाना तो जमीन मेरे ना कर दे, अगे ही साड़ी है, ये अगे ही साड़ी है, साड़िया खाई मिट्टी पा रहे हो, इधर जमीन दे रहे हो घोड़े भजा लवो, तो उधर की कर रहे हो। मौलाना फजल खैराबादी रहमतुल्लाह किस तरह वो तो लड़का पढ़ाता सी ना, आप क्लास में पढ़ाते सन, तो लड़के जोड़े उतो अंग्रेजा के आते सन इतने हुकूमत करने, कल्चर को समझने, इतों के हालात में जानने, फिर वो बैठ के दो दो चार चार साल को पढ़ते सन ताकि जुबान आ जाए, ना तौर तरीका आ जाए, नाले इन्हों का इलम सीखिए की पढ़ा रहे हैं, की कह रहे हैं, कल्चर की है, अकायद की ने, इन्होंने नजरियात की ने, वो यह सारा कुछ सीखने फिर क्लास में बैठते सन पढ़ते सन। इन मतलब क्लास बह के किताबा पढ़ के बंदा मोमिन नहीं बनता, निरिया किताबा पढ़ के बंदा मोमिन नहीं बनता, जे असी सारी मोमिन हाँ, मैं भी कहना जनाब असी मोमिन हाँ, पीर मुरीद साढ़े कह गए जनाब ये गौस पाक का दर्जा भी कुछ थोड़ा जहाँ घट ही है, साढ़े पीर का दर्जा वाद है, जिन्हें वो कोई ना लो जी दो कि गल है, दो चार सौ बंदा मुरीद है, साढ़े आस्थाने आओ जनाब, साढ़े पीर का पांच लख बंदा मुरीद है, वो ना छड़ ये गल नहीं, इन्हें की पता है साढ़े पीर का भी लख बंदा मुरीद है, और नहीं जनाब साढ़े पीर का पाँ लख बंदा मुरीद है। भाई अगर थोड़े पीर के पाँ लख बंदा मुरीद है, थोड़ा भी लख है, दस लख है, पांच लख है, यहाँ मतलब हर बंदा मोमिन है, मुल्क पाकिस्तान हाल करमा पढ़ने वाला बंदा कहता मैं वड्डा मोमिन हाँ, मैं वड्डा अशके रसूल हाँ, जे हर बंदा ही मोमिन है तो फिर गाजी मुमताज कादरी फटे क्यों चढ़ गया, क्यों फटे चढ़ गया, पूछ उस सके मकबूल है फितरत की गवाही, तू साहेब मंजिल है के भटका हुआ राही, काफिर है मुसलमान तो न शाही न फकीरी, मोमिन है तो करता है फकीरी में भी शाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। इकबाल कहते मैंने तो किया पर्दे असरार को भी चाक, देरीना है तेरा मर्जे कोर निगाही, तेरी अखां दी जिहड़ी पट्टी बनी ने मौलवी दे पीरां ने, रस्मी मौलवी दे पीरां रस्मी, ए बेचारे कुछ भी नहीं होंदे, रस्मी बंदा की होंदा, क्योंकि रस्मी ते रवायती बंदा की होंदा। इकबाल कहिंदा लाख हकीम सरब अजैब, इहो जिहे बंदे जिहड़े बुझदे होण, जिन्हां तौण दित्ती होवे गिरेबान च ते बुक्कल मारी होवे ते दीन दे कम ना आउण, दीन दे कम ना आउण, ओ नकीबे माफल जिहड़ा हर रोज़ माफल रोज़ पैसे कमाए दीन दे नाते, ते एक रुपया दीन वास्ते ना दे सके, एक मिनट ना दे सके, ते ओ पीर जिहड़ा दीन दे नाम ते करोड़ खरीदे जमीना खरीदे प्लाट खरीदे ते दीन दी खातर एक रुपया खर्च ना कर सके, ओ मौली साहब जिहड़ा दीन दे नाते जिन्हां नूं सब कुछ मिले ते दीन दे नाते एक रुपया खर्च ना कर सकन, मैं उन्हां दी गल करना ते जनाब साढ़े वास्ते बहुत रम ने, इह तां साढ़े सरां दे ताज ने जिहड़े हजूर की खातर कुरबानियां दे रहे हैं, जिहड़े हजूर की खातर अपने सीनियां दे गोलियां खा रहे हैं,
मैं उन्होंने गल कर रहा उन्होंने पल्ले की है एक उन्होंने बारे इकबाल कह के लाख हकीम सरब अजैब इो जो लख बंदा एक पासे एक कलीम सरब कफ एक कलीम जरा हफ्ते जान तली रख के लै आवे सरे मैदान वह कला बंद ही लखा दे पारी है कला बंदा लखा दे पारी है गल हकीकत है ना जी कला एक मुंडा वाणा का लखा दे पारी है ते कला मुंडा एक तरहाना दा कला कला एक मुंडा तरहाना दा जरा उत्तों वेख कुरान भी नहीं पढ़ सकता ना हाफिज़े कुरान ना आलिमे दीन ना मुफ्ती ना मौलवी ना पीर ते पीर जमात अली शाह साहब कह रहे हैं भी अपने मुरीदां नूं पैरां तों कफन हटाओ ना कफन हटिया ते आपने पैरां नूं चुमिया ना मुरीदां क्या हजूर है की तरहाना दे पुत्र दे पैर चुमदे पै उन्हां कहा ए ओ कलीम है जिन्हें मेरे नबी दी इज्जत और नमूस ते पैरा दिता है ये पैर ना चुकिए तो की करिए न था अगर तू शरीके वाफिल कसूर मेरा है या के तेरा तू ही गान जिवें लून दिता हुंदा जिवें लगा फिरदा सां तू कुरान अगे रख के सोचदा की सै कुरान पढ़ के तू फिर कीता की किताबां पढ़ के तू की कीता दीन दी खातर तू पीरी फकीरी करके दीन दी खातर की कर लिया की कीता तू तेरी पीरी फकीरी दीन दे काम आ गई वो बाबे कहिंदे भाई तुहाडा इलम जिहड़ा है वह लोगों जनाजे पढ़ाने वास्ते वे ये कुलखानी वास्ते वे ये सिर्फ महफिल मिलाद वास्ते वे जिहड़े जिहड़े इलम ने हुज़ूर दी इज्जत और नमूस ते कम नहीं आना जिस पीरी फकीरी ने हुज़ूर दी इज्जत और नमूस ते कम नहीं आना जिन इकबाल ने कहा ये हिकमत मलक होती ये इल्मे ला होती हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं ये जिक्र नीम शबी ये मुराकबे ये सरूर तेरी खुदी के निगेबा नहीं तो कुछ भी नहीं ये अकल जो माहो परवीन का खेलती है शिकार शरीक शोर से पिन्हा नहीं तो कुछ भी नहीं खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं किसी पीर के तवीजा का इंतजार नहीं कर रहा मेहराब और मिंबर अज भी किसी नाथ खान की अच्छी आवाज का इंतजार नहीं कर रहा मेहराब और मिंबर अज भी किसी कारी की अच्छी किरात का इंतजार नहीं कर रहा किसी खतीब की खिताबत का इंतजार नहीं कर रहा बल्कि मेहराब और मिंबर अज भी सजदा हुसैनी का इंतजार कर रहे जिन इकबाल ने कहा यहूर जाने फरंगी दिलो नजर का हिजाब बहिश्त मगरबिया जलवा हाय पावरा काब सिखा दिए हैं इसे शेवा हाय खान कही फकीह शहर को सूफी ने कर दिया है खराब उन्हें भी खिलाफत दे के उन्हें जनाब पीरी फकीरी तरीके दस दे उन्हें भी तवीज लिखने के तरीके दस के उन्हें भी जनाब बंदे भाण दे बंदे गुमराह करने के तरीके दस के सिखा दिए हैं इसे शेवा हाय खान कही फकीह शहर को सूफी ने कर दिया है खराब वो एक सजदा रूहे तभी जिससे कांप जाती थी उसी को आज तरसते हैं मिंबर और मेहराब आज मेहराब और मिंबर उन्हें तरस रहे हैं और बिहमदिल्ला तहरीक लबैक ने सरे मैदान और सजदा अदा किया बेचारे नजर आ रहे हैं जनाब वेखो जी ये कमरे जहाँ चले जाए वेखो कारा के नाल भजते फिरते हैं कार का तो बंदे का की मुकाबला ये मोटरसाइकिल जनाब लै लेंगे तो फिर जनाब नाल चलते उन्होंने पता इस गल का कि मोटरसाइकिल जी है वह कार के नाल दौड़ती है उन्होंने पता इस गल का लेकिन कार के नाल उन्हें पता होंगे गड्डी हुण निकल रही है वापस जा रही है तो इन्हें वापस टुट जाना हुण लेकिन फिर भी जदों तक दौड़ा जाता है आखिर तक लड़के दौड़ रहे होंगे ये तो तय बाकी मोहब्बत का असर है वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ न था अगर तू शरीक माफिल कसूर मेरा है या कि तेरा बड़ा अंग्रेज इतने तालीम हासिल करने वास्ते बैठा थी ना खाजा मौलाना फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह दी क्लास वो दो साल या चार साल पढ़ता रहा लड़का
जो मौलाना फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद का फतवा दिता ना अंग्रेज के खिलाफ दिल्ली की मस्जिद जामे मस्जिद ऐलान किया तो गिरफ्तारी हो गई। फिर मौलाना फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह आप हाथी से बैठ के पढ़न जाते सन, जिमें बंदा बच्चा लैंड क्रूजर से बैठ के पढ़न जाए हाथी चलाना सारबान वखरा और खुराक का इंतजाम करने वाला बंदा अलहदा आपका बस्सा चुकने वाला बंदा वखरा आपके वास्ते खाण पीन का इंतजाम करने वाला बंदा वखरा ए चार पांच बंदे खादम नाल ते अलामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ते इन दा बच्चा ते पढ़ ही नहीं सकता। भाई तुसी थकते नहीं गए? मैं जल्दी गल मुकाना भाई ताजदारे खत्मे नबूवत दे जवाबन जवाब च तीन मरतबा कहना है जिंदाबाद 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 लो जी जिंदाबाद 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 जो गिरफ्तार होकर गया ना कोर्ट च इस इनू तो अदालत कहना लफ्ज अदालत की भी तो ही नहीं ना लेकिन सानू की इस गल ना ठीक जो भी कह रही है अर्ज कोई अर्ज नहीं जो मर्जी कह दो मुसलमान आजाद है एक ही जरूरत के मुसलमान ने कोई बंदा टोके मुसलमान आजाद है जिड्डी वड्डी मर्जी बेगारती करे मुसलमान आजाद है कायनात की सब तो वड्डी बेगैरती करे हरम च बह के मुसलमान आजाद है तो बरकत सारे खत्म कर देवे अब तक सजदा कायनात हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला दा मज़ार भी मिसमार कर देवे तो फिर भी वह बेहतर समझदा उन्हें तबरक नहीं समझ रहा। लेकिन जो इंडिया तो गुलकार आए अदाकार आए और कोई फिंगर प्रिंट लगवा रहा तबरक के तौर पर लानत तेरी मुसलमानी थी ए मुसलमानी पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब है मिसले यहूदी ये सऊदी भी आजाद वो सऊदी वाले जो इंडिया का अदाकार उसे गया ना जी ए 200 अदाकार सी फनकार 200 हूँ तो खैर किन्ने फेस्टिवल प्रोग्राम हो गए उन्होंने जेडे प्रोग्राम है 200 फन पहला प्रोग्राम 200 एशिया का वड्डा प्रोग्राम एशिया का बेगैरती का वड्डा प्रोग्राम 200 फनकार इकट्ठे करके लखां लोग जमा सन उत्थे और तीन दिन चार दिन प्रोग्राम रहा 16-17-18 चार पाँच दिन प्रोग्राम रहा मुसलमान जी होए फिर चूंकि समझते कि मरकज मुसलमाना का यह चेंज ही होना चाहिए तो जी बेगैरती का इजहार फिर उन्होंने किया फिंगरप्रिंट लै रहे हैं उन्होंने को फनकारा को जेड़े तबरकात रखने सन वह खत्म कर दिते तो जा किधर रहे हैं पढ़ता हूँ कमर जलाल भी कहते पढ़ता हूँ तो कहती है या खालिक की किताब है मिसले यहूदी या सऊदी भी आजाद उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीती हो शराब पढ़ता हूँ तो कहती है या खालिक की किताब है मिसले यहूदी या सऊदी भी आजाद उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे काबे की कमाई से जो पीती हो शराब कश्मीर फरोश कश्मीर का सौदा करके कह रहे हैं असं कश्मीर के नाल और वो बेटियां अज भी किसी मुहम्मद बिन कासिम ने इंतजार च ने अज भी किसी महमूद गदरवी ने इंतजार च ने अज भी किसी इल्तमिश के इंतजार च ने इतने जनाब 70-70 हज़ार डालर दरबारा से दे रहे सन 18 च अमेरिकन 70-70 हज़ार डालर मज़ारात मुल्तान के मज़ारात दे रहे सन और आफिया सिद्दीकी आसे और वास्ते 200 का दुपट्टा उन्होंने को नहीं सी और मैं जो कराची घर गए हाँ उस वक्त उनकी वालदा कह रही थी दस रही थी कहने उन्होंने कुरान मजीद अगे खोल के रख के दरवाजे में क्या कि तू कुरान मजीद से कदम रख के पैर रख के निकल जा असं तो रिहा कर देने उन्हें कहा मैंने मौत कबूल है लेकिन मैं कुरान की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता
जेड़े हुक्मरान मुल्को कौम की पूरी उम्मत की बेटी की गल भी नहीं करते, कभी किसी गल भी नहीं की, फिर तेरी अपनी सोच है ना। वो नहीं जनाब, असी तो नून लीग ना, असी तो पी टी आई ना, साढ़े प्यो दादे जनाब पग वटी है, असी तो वेखो ना साड़िया वफावान साढ़े बड़े उन्होंने काम किए, तेरे की काम कर दिते ने, वो तो उसे तुझको उम्मीद है खुदा से, तू अपने कमां वास्ते वोट देना फिरना, कमां वास्ते अपनी ख्वाहिशात वास्ते, बुतों से तुझको उम्मीद है खुदा से ना उम्मीद दी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। खुदा ने उनको अता की है खाजगी के जिन्हें खबर नहीं रब से बंदा परवरी क्या है, फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, ना हो निगाह में शोही तो दिल बरी क्या है। मौलाना फजल खैरबाजी रहमतुल्लाह अलैह गिरफ्तार होके गया ना कोर्ट च, वो जज ने पहचान लिया पिया, वो मेरे उस्ताद ने जिन्हें मैंने पढ़ाया सी उन्हें रिलीफ दिता बाकायदा, उन्हें कहा कि ये वो फजल हक नहीं जिसको तुम गिरफ्तार करके लाए हो ना, ये फतवा देने वाला फजल हक वो फजल हक नहीं, ये फजल हक का और है, आप गलती में इसको पकड़ के ले आए हैं, इसे ले जाएं, इसे छोड़ दें ले जाएं, वो फजल हक का और है उसको गिरफ्तार करके लाएं। उनसे रिलीफ दिता ना कि इस बहाने मेरे उस्ताद जी ने नाले उन्हें क्या ठीक है रिहाव जान, लेकिन जब पुलिस वाले वापस जान लगे ना, आपने कहा कि वो फजल हक जिसने फतवा दिया है अंग्रेज के खिलाफ वो मैं ही हूँ, वो मैं ही वेले दसे है विच मैदान करबल केड़ा खड़ा रहा है केड़ा नसया है, कोई मर गया मौत तो डर डर के, वेदे बेचारे मर रहे ने, उन्हें जी वेखो इन्होंने ही लगे फिर भी चाहिए कि साढ़ा तो कोई चल तलक नहीं, असी तो पिछली दफा भी जनाब वजीर आजम साहब ने बुलाया सी, असी हुण भी बुलाने तैयार हाँ, वो साढ़े आस्थान है, हुण कोई गल नहीं, वो टुर गए ने जेड़े जनाब इन्होंने नजरिया के कायल सन, वो इन गलों के मुखालिफ सन, लेकिन वो तो अपने हुण कपड़े इतने मिजार ने, वो की कर सकते हैं, तुसी आओ साढ़े को बिस्मिल्लाह आओ, असी मेजबान हाँ, तशरीफ लियाओ, अपने बाप दादे के नजरियात से लत मार रहे, असी बेचारे एडे सादा, वो नहीं जी साडा पीरखाना है, तेरा पीरखाना कद है, उत्थे है कि भाई इतने तो वो आबा ही तुम्हारे, वो वड्डे बुजुर्ग है सन तो ही, लेकिन वो ही सन ना वड्डे, थे तो वो आबा ही तुम्हारे, मगर तुम क्या हो, तुसी की तुहाडे कोल की है, अगे पता है पिंडा जो दसना तरखाण लकड़ियां काम करते सन, वो फिर जनाब शहर च आ गया, उन्होंने फिर तरखाण उन्होंने नहीं कहते, हूँ कहना इंजीनियर कारखाना बन गया, अगे पिंड लुहार हों, पहले जनाब पट्ठी तांदा सी कोलियां वाली, फिर जो लोहा रखता सी, फिर एड्डी वड्डी आरन के उत्ते रख के एक बंदा वदान फड़ के एडा थौड़ा उन वदान कहते सन, वह चुक के जनाब तो लिया के सट्टा मारता सी, फिर जनाब छुरियां बन दिया सन टोके दियाँ, तो छुरियां तांदे सन, पिंड का माहौल थोड़ा भी है, बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे इन गलों तो इस कल्चर तो, हूँ चूंकि लुहार पड़ गया हूँ, लुहार नहीं कहते हूँ इंजीनियर कहने, हूँ उन्होंने पट्टी नहीं हूँ कारखाना मिल गल हो तरीका बदल गया ना, इन जी उन्होंने भी पहले तो लोग मंगते सन ना जी एड्डी लंबी सोटी कुत्ते मोड़न वास्ते पिछे, फिर गाले चले बगली पाई होंगी सी, मंगता से खैरात अल्लाह के नाम से जनाब, फिर वह पाता से वो फिर जनाब अमीर हो गया, अमीर हो गया मंगने वाला, उन्हें सोटी थान के नाल बंदे रख लेने, तो बगली ला छड़ी आला किस्म की वेस्टकोट आला किस्म के सूट आला किस्म के बूट, तो हूँ जनाब अमीर हो गया तो उन्हें अपनी क्रोजर लै लई है प्राडो लै लई है, हूँ पीर साहब ने सजादा नशीन ने उस मंग का ना सजादा नशीन है, उस लुहार का ना इंजीनियर है, उस तरखान का ना कारखानादार है, उस मंगने वाले बंदे का ना जो बगली पा के लम्मी सोटी रख के कुत्ते ने मोड़ता सी, ही ना हूँ पीर साहब है, इला माशाला इला माशाला, वो लोग जो हजूर की खातर अज भी जाना देने तैयार हैं, मैं गल्लां जुबानी कलामी इंज नहीं करता मैं रस्मी तौर पर, नाले मैं मान भी नहीं करता गरूर तो तकबर भी नहीं करता, मैं कारी साहब को पता है इन्होंने वालिद साहब मेरे वालिद साहब के पुराने मुरीदीन च सन और मेरे वालिद साहब के खलीफा भी सन मौलाना इनायतुल्लाह चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला दे मज़ारे परिवार से अपनी करोड़ों रहमत अता फरमाए, हकीकत पसंद बनते, मैं 36 किले जमीन वेच के समिशन से ला के तो बेशुमार जानवर से लखा रुपया ला के तो फिर मैं गल पे कर ला, तू की चाह रहे तेरा अपना नजरिया कोई नहीं, तेरे कोई दम खम नहीं, दीन का की कर रहे हो सिवाय दीन की मुखालफत, अज भी इस वक्त की टाइम क्यों है जी
एक बात की 19 मिनट या 20 मिनट यह हूँ भी सारे पीर तो मौलवी बाहर आ जाने जो दम खाम है जो कहते जनाब साढ़े 20 लाख मरीज साढ़े 10 लाख मरीज साढ़े 50 लाख मरीज यह हूँ 1:20 हो तो सवेरे सूरज तलू होने तो पहले दीन तख्ते आ जाने हूँ समझ आ गई गल की फिर दीन की राह रुकावट कौन है तू कि माण करता फिरना ये किड़े ने और एक ही ने न था अगर तू शरीके माफिल जमाना इन्हों कह रहा कि न था अगर तू शरीके माफिल कसूर मेरा है या कि तेरा मेरा तरीका नहीं कि रख लूँ किसी की खातर मैं शबाना इन्हों तो बल्कि 56 मुल्क के वजीर आजम उन्होंने कली मुस्कान पूरी उम्मत की बेटी जिन्हें पूरी उम्मत का भरम रख लिया नारा तकबीर बुलंद करके इंदवान नरगे मैदान सरे मैदान वो बेहतर अल्लाह जेडे ये रानवान ना कौम दे जिन्हें नामू से रसूल दे काम नहीं होना ते दीन दे काम नहीं होना दीन नू तख्त लियाउण वास्ते उन्हां कोल एक रुपया नहीं एक मिनट नहीं इन्हां लोगों ना इन्हां पीरां मौलवियां ते तू कुत्तियां नू पा छड़े तो चंगा जेडे तू नजराने देंदा फिरना ना इन्हां नाल ते कुत्तियां नू पा छड़े तो बेहतर ओ सवाब होएगा जेडे तू लई फिरना रानवा कौम दे मुर्दे इकबाल कहता कि कल एक छोरी दा ख्वाब गाहे नबी पे उदूरला साहब की बारगाह कल एक छोरी दा ख्वाब गाहे नबी पे रो रो के कह रहा था कि मिस्र हिंदुस्तान के मुस्लिम बिनाए मिल्लत मिटा रहे हैं ये जायरीन हरीम मगरब हजार रहबर बने हमारे ये भाजपा के जनाब कह रहे हैं तुहाडे तुहाडे वाला साहब साढ़े मुरीद सन जी तुहाडे दादा तुहाडे पड़दादे तुहानू पता नहीं वो साढ़े बुजुर्गों के मुरीद सन असीं तुहाडे मुर्शिद हाँ इकबाल कहता ये गजब है ये कल एक शुरीदा ख्वाब का है नबी पे रो रो के कह रहा था मिस्र और हिंदुस्तान के मुस्लिम बिनाए मिल्लत मिटा रहे हैं हजार रहबर बने हमारे अल्लाह हजार रहबर बने हमारे हमें भला इनसे वास्ता क्या जो तुझसे ना आशना रहे हैं यार सुलत तो ना कोई इन्हों का ताल्लुक नहीं फिर साढ़े ना रिश्ता केड़ा गजब है ये मुर्शिदा ने खुद भी ये अपने आप में वेखन वाले गड्डिया के मॉडल बदलने वाले कोठियां बदलने वाले तो जायदादा बनाने वाले मैं कई पीर के बारे जानना वो जनाब बंडे फखर ना कहते हैं साढ़े पीर जनाब बैरी हटाने इन्हें पलाट ने मैं तेरे से भी लाने ना तेरे पीर से भी लाने जिन्होंने पैसा दीन के काम नहीं आना ये जोड़ना ये कड़ा फखर वाली गल तू कर उन शागिरदा की गल करना गजब है ये इकबाल कहता गजब है ये मुर्शिदा ने खुद भी खुदा तेरी कौम को बचाए या रसूलल्लाह ये तो लानत ने कौम वास्ते गजब है ये मुर्शिदा ने खुद भी खुदा तेरी कौम को बचाए बिगाड़ कर तेरे मुस्लिमों को ये अपनी इज्जत बना रहे हैं सुनेगा इकबाल कौन है इनकी कि अंजमन ही बदल गई है नहीं बदली बदल चुकी है ना सुनेगा इकबाल कौन है इनकी कि अंजमन ही बदल गई है नए जमाने में आप हमको पुरानी बातें सुना रहे हैं और जिन्हों का तलक तहरीके लबैक ना नहीं ना वह भी अपनी तकरीर लाने वास्ते वह भी तहरीके लबैक की गल जरूर तहरीक वास्ते नहीं मिशन नाल वफा वास्ते नहीं हुजूर अस्सलाम नाल वफा वास्ते नहीं अपनी कमाई आप यही मुनाफकत है तो बाबे ने कहा भी ना चुकया मुनाफका अंगरों ना चुकया पहाड़ मुसल्ले दा ना पढ़ी कदे ना नीती है एक यार दा विरद पकाया है एक याद मुकम्मल कीती है मेरे ते मूर्ख वाइज विच बस ऐसे ही गल दा झगड़ा है मेरे ते मूर्ख वाइज विच
ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਲਵੋਗੇ? ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਣੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਸੀਤੇ ਆਓ। ਜਬ ਇਕਤਦਾਰ ਮੇਂ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਇਕਤਦਾਰ ਮੇਂ, ਇਕਤਦਾਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਹੂੰ, ਫਿਰ ਨਾਮੂਸ ਰਿਸਾਲਤ ਕੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼, ਫਿਰ ਮੁਜਾਹਿਦ, ਮੁਜਾਹਿਦ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕਤਦਾਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਹੂੰ ਤੋ ਫਿਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਕੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼, ਔਰ ਜਬ ਇਕਤਦਾਰ ਮੇਂ ਆ ਜਾਏ ਤੋ ਫਿਰ ਯਜ਼ੀਦ ਕੇ ਭਾਈ। ਇਕਤਦਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੋਰਸ ਰੂਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰਚੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੈਲ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਫਾਇਰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜੀਵੀਏ ਚਾਹੇ ਮਰੀਏ, ਰਵਾਂਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰਾਂਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜੀਆਂਗੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਗਾਰੇ ਸੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-45 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਖਲ ਅਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋ, 80-90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਈ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗੇ ਜੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਛੁੱਟੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ? ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਗਈ ਆਪ ਛੱਡਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਵੀ ਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਖਤਾਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਸੀਂ ਦੁਆਈਆਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਆਏ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਣੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਮਰ ਲੱਗੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੂਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸਾਂ ਪੀਰ ਜ਼ਹੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਕਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਦੜਾਲ ਦੜਾਲ ਦੜਾਲ, ਅਤੇ ਪੀਰ ਜ਼ਹੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ 17 ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ 17ਵਾਂ ਫੇਰਾ ਸੀ, ਇਹ 17ਵਾਂ ਫੇਰਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੈਕਟਾਊਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਭਈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਰੀਕ ਬਾਰੀਕ ਬਾਦੂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12-13 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, 12-13 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਇੰਤਹਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੰਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੂਹ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਦਾਤ ਕਰਾਮ ਨਾਲ ਤਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ 2007 ਦੀ, ਉਦੋਂ ਅਲੀ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਗਾਜ਼ੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਮਤ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਮਤ ਦਾ ਕਰਦਾ ਅਵਾਣਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿਲਾਇਆ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਅਰਬ ਉਮਤ ਦਾ ਭਾਰ ਮੋਢਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਮਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੰਝ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਫਿਰ ਅਲਾਮਾ ਖਾਰਿਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਰਹਿਮਤੁੱਲ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫਿਜਾਇਆ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਨੀ ਰਸੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ
अपने शौक नाल किसे बंदे मैंने नहीं किया, शौक ना वंगा पाइया तो जड़ियाँ वंगा शौक ना पाइए उन्होंने फिर किसी अफसोस तो नहीं ना होंगे वंगा शौक ना पाइया मैं कह जल तरह जाने जाने ये कड़ी गल है आधार जेल होए आधार कड़ियाँ लगन लेकिन असं हुजूर ना वफा करा दीन ना वफा करा क्यों जी इंशाल्लाह हम दीन से वफा करेंगे इंशाल्लाह हुजूर से वफा करेंगे इंशाल्लाह जो जमाना कह रहा है न था अगर तू शरीक महफिल कसूर मेरा है जाके तेरा तू आप ही गां करो जो गान लोन दिता होंगे इंजन आप लगा फिरदा है कभी नीत रही है कना अल्लाह ठूंगे मारता फिरना केड़ियाँ पढ़ता फिरना केड़े रोजे रखता फिरना केड़े उम्रे करता फिरना केड़े अज करता फिरना जो तेरिया नमाज रोजे अज का तस्वी लोटे मुसले का दीन तो फायदा नहीं ना मूसे रसूल की खातर तू अपनी जाना जान हाथ रख के सारे मैदान नहीं निकलना फिर केड़िया नमाजा पढ़ना केड़े अज करना केड़े उम्रे करना केड़ी पीर फकीरी है केड़े इलम दल करना केड़ा दरस कुरान है केड़ा दरस हदीस है ये तू अपनी जाति शोहरत का तरीका बनाया है अपनी जाति मुफादात की जंग लड़ रहे हैं दीन तो इस वक्त दीन मेहराब और मिंबर सजदा हुसैनी की लड़ है तो बाबे ने फिर भाई पूरी दुनिया से ऐलान किया कि मैं बरसातों में मैं खाने की छत उत्ते बह के पीती है तो पहला मां उन्होंने रिदा चो जिन्हें खुली बगावत की है ना चुकया भार मुसले का मुनाफकों घरों ना पढ़ी कते ना दीती है एक यार का विरद पकाया है एक याद मुकम्मल की है मेरे ते मूर्ख वायज विच बस इस ही गल का झगड़ा है मैं आखा रब मैं खाने विच ओ आखे रब मसीती है मैं कहना रब फैजाबाद है वह कहता नहीं मसीते भाई मौलविया ने छोड़ो तुम अपनी नमाजा पढ़ो तुम्हें इस गल ना की इतों की लभना जे वो वेखो जी सूफी साहब सुनाओ जनाब तुहाड़ी जमात का की हाल है मौलविया पिछे लगे हो तुहाड़ी जमात का की हाल है तो जी तू बकवास कर रहा है ना जी बकवास कर रहा है ए बकवास उस मुसलमान कलमा पढ़ने वाले ने सरहद की ना जनाबे खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह की बारगाह उन्हें क्या जनाब इन्ना साहेब हकुम का तबुफिया तुहाड़े नबी विसाल कर गए ने आपने कहा की क्या आई दोबारा क्या उन्हें कहा इन्ना साहेब हकुम आला कलमा पढ़ने वाला बंदा सी आपने तलवार कट के ना मार के तौन ला के सर कलम कर दिता तो शिकायत पहुंची पहुंची मदीना पाक जनाब खलीफा अव्वल बिला फसल जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह की बारगाह जनाब उन्होंने कलमा पढ़ने वाला बंदा कतल कर दिता आपने सरहद तो बुलाया वापस पिया हो जनाब जो मस्जिद नबी के दरवाजे दाखिल हो रहे सन अगे हल्ते उमरे फारूक मिल पाए आपने गिरेबान फड़न की कोशिश की थी। आपने कहा हुजूर मैंने पेश थी होने दो ना मैं अपना उधर पेश करना हकायक पेश करना जो जनाब सिद्दीक अकबर ने पूछा कि तुसी मुसलमान कलमा पढ़ने वाला बंदा मार दिता है उन्होंने की हुजूर उस बंदे क्या सी जनाब सुनाओ तुहाडी तहरीक का की हाल है उस क्या तुहाडी जमात का की हाल है जे वह मुसलमान सी जे वह मुसलमान सी तहरीक की है भाई हुजूर दी इज्जत और नामूस के मुआफे इकट्ठे हो जाए तो बंदा पूछे कौन ने नबी अलैहिस्सलाम दी इज्जत और नामूस के मुआफे का ना तहरीक लबैक पाकिस्तान दीन ते तख्त नूं लिआउण वाले तख्त दीन नूं तख्त लिआउण वाले लोगों का ना तहरीक लबैक पाकिस्तान है दहशत करदा दी जमात नहीं आपने कहा तुसीं सरहद ते बंदा मार दिता कलमा पढ़न वाला आपने खालिद बिन वलीद नज़दीक दी हुजूर उन्हें आके कहा सी इन्ना साहिब हकुम तुहाडे नबी विसाल कर गए ने अगर वह मुसलमान सी तो वह कहता इन्ना साहेबा ना अगर वह मुसलमान सी कहता इन्ना साहेबा ना जब उन्हें कहा इन्ना साहेबा कुम तुहाडे नबी फिर मैं कहा नबी साडे ने तेरे ते नहीं ना जब तेरा कलमा पढ़ने के बाद नबी तेरे नहीं फिर मैं तलवार मार के सिर ला दिता फिर तेरा जमीन ना तलक है ना आसमान ना तलक है ना कुरान ना तलक है ना अल्लाह ना तलक है ना रसूल ना तलक है तू तो लगा जा ना ये कह रहा है वो जी तुहाडी जमात का जनाब की हाल है वेखो तुम किधर आ रहे हो रात के दो बज गए ने तेरा तो जमात ना कोई तलक नहीं ना फिर तेरा दीन ना की वास्ता है तू इस वास्ते मोमिन है तू पीर है इस वास्ते मोमिन है मौलवी है इस वास्ते मोमिन है पीरां दा पुत्र है इस वास्ते तू मुसलमान खवाना है भी तू मौलवियों का पुत्र है इस वास्ते मुसलमान रखवाना तू कलमा पढ़ना है इस वास्ते मोमिन तू महफिल नात करना है इस वास्ते मोमिन तू नकाबत करना है तो सारी कायनात दे झूठे तू कहता फिरना है जनाब आशिक रसूल ने इला माशाला इन ही कर दे इमाम अल काज़िम ही नहीं होंगे तकरीबन ए भी जनाब आशिक रसूल है भी आशिक रसूल है भाई ये सारे आशिक रसूल ने तो फिर दीन मसला ही कोई नहीं फिर दीन की मसला है और कौम के तीन लीडर पीराने इज़ाम उलमाए किराम और सियासतदान इकबाल कहते सब अपने बनाए हुए जिंदा में हैं महबूस
खावर के सवाबत हूँ कि अफरंग के सैयार, पीराने कलीसा हूँ कि शैखाने हरम हूँ, नया जिद्दत गुफ्तार है नया जिद्दत किरदार, हैं अहले सियासत के वही कोहना खमो पेच, शायर उसी अफला से तखय्युल में गिरफ्तार, दुनिया को है उस महदिये पर हक की जरूरत, हो जिसकी निगाह दलदलाए आलम अफकार। इस वक्त दीन इनकलाब चाह रहा है, मेहराब और मिंबर नामूस रसूल की हिफाजत चाह रहा है, पर अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान बगैर किसी तसन्नो बनावट दे, बगैर किसी इलो इज्जत दे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस से तहफ़ुज़ की खातर वह सजदा हुसैनी सरे मैदान अदा कर रही है। अल्लाह ताला पूरी उम्मत को हुज़ूर अलैहिस्सलाम नाल और आप दे दीन नाल वफा करन दी तौफीक अता फरमाए, और सारे जनाब दुनिया के रिश्ते छड़ के कायनात के सारे रिश्ते तोड़ के सानू हुज़ूर सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल रिश्ता जोड़न दी तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।